हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके आंसर की के बारे में। तो हम इंग्लिश का जो आंसर की है उसका बताएंगे आपको, और ये आपका जो इंग्लिश था सेकेंड लैंग्वेज था आपका, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज। और मैंने ये बुकलेट लिया है आपका डी, ठीक है, तो जिसका डी है वो इजीली मिला सकते हैं। बाकी सब लोग क्वेश्चन को पढ़ के मिलाइए अपना अपना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का सेशन, जो है आपका प्राइमरी के लिए, ही याद रखिए, प्राइमरी 1 to 5 के लिए है, फर्स्ट पेपर का है ये। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और लैंग्वेज 2 है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, सो दैट आप लोग तुरंत अपना आंसर मैच कर लीजिए और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आपको पता चल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल ऑफ लैंग्वेज लर्नर्स बाय, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ अ लैंग्वेज सोर्सेज एंड अ पीपल एंड इंगेजिंग इन अदर लिसनिंग एक्टिविटीज। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 121 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला आपका दिया है और ये रीजन दिया है यहाँ पे, तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्या कह रहा है? एक्यूरेसी इज अ लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल, ठीक है। क्या इसका जो रीजन दिया है, ये कथन है आपका, रीजन देखिए क्या कह रहा है। ग्रामर इज अ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्राइमरी करिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो आपका ये एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है आर का, सही दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 122 का, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। क्या कह रहा है? थियोरेटिकल पोजीशन एंड द बिलीफ्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज, द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड अप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ टू पेडागोजिकल सेटिंग इज, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा अप्रोच, ठीक है। तो 123 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। क्या कह रहा है? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज, तो ये आपका फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इवेल्युएशन क्या होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा 124 का। नेक्स्ट है आपका 125 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। वाइल प्लानिंग लेसन फॉर योर लर्नर्स द टीचर डिसाइडेड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR मेथड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्लूड TPR इन द लेसन, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मस्ट इंश्योर टू एड सम बॉडली एक्टिविटी इन अ क्लास, ठीक है, इन द क्लास, ये आपका 125 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। क्या कह रहा है? विच अप्रोच टू ग्रामर इनकरेज द बिलीफ दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, आपका डिडक्टिव मेथड, ठीक, डिडक्टिव। नेक्स्ट है 127 क्वेश्चन नंबर। क्या है? अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर इन अ क्लास 5th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन अ मोस्ट बाय द टीचर, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड द एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 127 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। क्या कह रहा है? टॉप डाउन मीन अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, वाट डज बॉटम ऑफ मीन,
इसका ऑप्शन आपका देखिए, इसका ए भी सही जा रहा है और आपका थर्ड ऑप्शन भी सही जा रहा है, लेकिन आयोग आपका क्या मानता है? आपका हमारे अकॉर्डिंग ए भी सही है और आपका थर्ड भी सही है, ठीक है, 128 का। तो इसमें आपका दोनों में से कोई भी मांग सकता है आयोग आपका। तो यहाँ पे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो वहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है 128 के बाद 129 क्वेश्चन, क्या कह रहा है? विच अमंग दिस इन इन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर? तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आइडेंटिफाई द लर्नर्स कम्युनिकेशन नीड नीड्स, ठीक है। तो 129 का हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। 130 देखिए, 130 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए यंग चाइल्ड पिक्स अप अ बुक, होल्ड्स इट टू राइट साइड अप एंड टर्न्स द पेजेस, दीज एक्टिविटीज डिमोन्स्ट्रेट। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन भी हो जाएगा, क्या? इमर्जेंट करिकुलम, ठीक है, आपका 130 का ऑप्शन नंबर फोर। 131 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका ये सर्टन दिया है और क्या कह रहा है? लर्नर्स अक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली, क्या कह रहा है, प्रीडिस्पोज्ड टू डू सम एंड द एनवायरनमेंट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इट। रीजन दे रहा है इसका, द लर्नर कंटर्न्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अ लैंग्वेज एक्विजन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड से हो जाएगा। ये आपका जो कह रहा है ये फॉल्स है, बट जो रीजन दिया है आपका ये ट्रू है। तो आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, कहने का मतलब जो कथन दिया है वो गलत दिया है लेकिन जो रीजन दिया है वो आपका सही था। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड से हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन नंबर 132, क्या कह रहा है? अ वे टू टीच रीडिंग दैट इम्फेसाइजेज अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड फ्रॉम द कंटेक्स्ट इन विच दे अपेयर इज। तो पहला ऑप्शन से हो जाएगा होल लैंग्वेज अप्रोच, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से हो जाएगा आपका। 133 देखिए, क्वेश्चन नंबर द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज इज। तो ये हो जाएगा मेटा लैंग्विस्टिक एबिलिटी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड से हो जाएगा, 133 का, 133 का। 134 देखिए, अ मदर आस्क द टीचर ऑफ क्लास सेकेंड हाउ इट वॉज पॉसिबल फॉर हर चाइल्ड टू समटाइम से थिंक दैट ही सी हैड नेवर हर्ड एनी एडल्ट और सिबलिंग्स से, हाउ इट इज पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आपका 134 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या है ऑप्शन नंबर बी? एज पर द कंसंट्रेटिव अप्रोच चिल्ड्रन कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेज, ठीक है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, अ टेक्निक यूज टू फैसिलेट अर्ली लिटरेसी विच इन्वॉल्व एन एडल्ट एंड अ चाइल्ड लुकिंग एट अ लुक टुगेदर वाइल द एडल्ट आस्क क्वेश्चन एंड इनकरेजेज अ डायलॉग फॉलोइंग बाई स्विचिंग रोल सो दैट द चाइल्ड आस्क क्वेश्चन टू द एडल्ट इज कॉल्ड आपका डायलॉगिक रीडिंग, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 135 का। यहाँ आपका पैसेज था, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप 136 से 143 तक आपको रीड करके देना था। तो ये आपका पैसेज था, हमको क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देना है। तो 136 पे आ जाते हैं, तो ये आपका 136 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी लिव्ड इन अ स्मॉल एंड सेवी हाउस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, देयर वॉज नो टॉल ट्री नियर द हाउस। 138 देखिए, क्वेश्चन नंबर, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट
तो ये आपका जो ऑप्शन इसमें सी है वो सही हो जाएगा, मतलब ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट ट्रू है, बट आपका सी जो है ये गलत है। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ देते हैं आपको जो जो सही है। इन द वॉस्ट ग्रासलैंड अंकल हैप्पीज वॉज वन द वनली हाउस, तो ये सही है आपका ऑप्शन। देयर वॉज अ सन ब्लैक ग्रे ग्रास ऑल ग्राउंड, ये भी सही है। तो ये दोनों आपका सही है स्टेटमेंट। और थर्ड कह रहा है इन द मिडिल ऑफ द प्रेरीज वॉज अ ग्रीन फील्ड लॉब्ड बाई अंकल हरी, तो ये आपका गलत है। तो आपका ए और बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड मैच कर रहा है, ए एंड बी आर राइट बट सी इज रॉन्ग, तो 130 का ये सी ऑप्शन हो जाएगा, 138 का, ठीक है। 139 देखिए, 139, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंकल हरी हेनरी हैड अ ट्रेंडर ट्रॉली इन विच वुड वॉज कैरिड, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन फर्स्ट है, ये सेकंड देखिए, द वुड फॉर द हाउस वॉज कैरिड फ्रॉम द फार वे, तो ये आपका जो बी है वो आपका करेक्ट कह रहा है, सी और ए आपका रॉन्ग है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही जाएगा, बी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही कह रहा है और ए गलत है। तो ये था आपका 139, 139, 140। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो ये देखिए पहला आपका यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, ए फॉल्स है और बी आपका ट्रू है और सी आपका फॉल्स है और आपका डी जो है वो आपका ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा आपका। हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन, द फियर ऑफ साइक्लोन लूम्ड लार्ज ऑन द फैमिली, ये आपका फॉल्स है। दे सेकेंड देखिए, दे हैड बिल्ट अ शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड एंड रेन, ये आपका ट्रू है। थर्ड ऑप्शन, अराउंड द हाउस देयर वॉज नथिंग टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अ स्टॉर्म, ये आपका फॉल्स है, सी वाला। डी देखिए, देयर ड्रॉइंग रूम है वनली देयर आर अ फोर चेयर्स, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। तो आपका दूसरा इसमें और चौथा ट्रू हो जाता है, और पहला और दूसरा, पहला और तीसरा आपका फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 क्या कह रहा है, इसमें फिल इन द ब्लैंक है, विथ अंकल हेनरीज वॉज हु वॉज अ फॉर्मर, द अंडरस्ट अंडरलाइंड वर्ड इज एन या हाउस, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये अंडरलाइन जो किया गया है आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 142 देखिए, अ कपबोर्ड फॉर द डिशेज द अंडरलाइन वर्ड इज एन, तो ये फॉर आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो 142 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फोर्थ। 143 देखिए, देयर वॉज नो गैरेट एट ऑल, द अंडरलाइन वर्ड नियरली मीन द सेम एज, तो इसका सिनोनिम्स पूछा है, तो ये आपका लॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉफ्ट, LOFT, ठीक है। तो 143 क्वेश्चन था ये। अब यहाँ से फिर आपको पैसेज दिया हुआ है, गिवन है, इसको रीड करके आंसर देना है आपको, तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। हमारा 143 तक हो गया था, तो आते हैं 144। ये रहा आपका क्वेश्चन 144, क्या कह रहा है, फादर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग, इसको ऑप्शन सेकंड से हो जाएगा, एज ही वांटेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड, आपका 144 का सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसमें बताता, इस तीनों स्टेटमेंट बताना है आपका कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो पहला क्या कह रहा है, फादर अवॉइडेड ईटिंग इन द कोर्ट कैंटीन, तो पहला आपका जो है आपका गलत है, ठीक है। या इसमें ऑप्शन आपका सही, 145 में सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है।
और ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें से सी और ए आपका ट्रू है, मतलब कि ए वाला ट्रू है और ये आपका ये सी ये ट्रू है और बी वाला आपका फॉल्स है, मतलब कि ए ए फॉल्स है। सॉरी एक मिनट, देखिए जो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो आपका सी और ए है वो ट्रू है, ये आपका ट्रू है सी और ए, बी आपका बस फॉल्स है। जैसे कि फादर अवॉइडेड ईटिंग इन द कोर्ट कैंटीन, तो ये सही कह रहा है, ठीक है, ये आपका सही है। दूसरा, ही लाइक टू ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे, ये गलत कह रहा है, ठीक है। ही कैरिड केस फाइल्स रोब्ड इन अ क्लॉथ, तो ये आपका सही कह रहा है। तो आपका ए और सी सही है लेकिन बी गलत है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी एंड ए आर ट्रू बट बी इज फॉल्स। तो 145 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 के वन बाद 146 देखिए, 146 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ओनली अ फ्यू वेयर ज्वेलर्स ऑफ हिज पॉपुलरिटी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 146 का। 147 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स आर ट्रू, इसमें दो दिए गए हैं आपके ए और बी, इसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसमें जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब दोनों सही है, ठीक है। तो इवन द जजेज रिकॉग्नाइज हिज लेवल अक्यूमेंट, ठीक है, तो ये भी सही है ए वाला भी। ही प्रीफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू फैमिली ऑब्लिगेशन, तो ये भी सही है आपका, तो ए और बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 147। 148 देखिए, हिज आर्गुमेंट्स वेयर फोर्सफुल कोहेरेंट, ठीक है, इसमें भरना है चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन, ठीक है, तो कोहेरेंट का सिमिलर मतलब कि सिनोनिम्स पूछा था, तो ये आपका रीजनेबल हो जाएगा, ठीक है, तो 148 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 149, 149 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है ए बंडल कंटेनिंग कोट पेजेस द अंडरलाइन वर्ड इज, मतलब कंटेनिंग क्या है, कंटेनिंग क्या है आपका, तो ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव। 150 देखिए, क्या कह रहा है, वन क्लाइंट वॉज पार्टिकुलर दैट माई फादर द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इन एज, तो ये कह रहा है अंडरलाइन जो है आपका ये क्या है, वन क्लाइंट वॉज पार्टिकुलर, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, आपका ये प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन 150, ठीक है, क्वेश्चन आंसर रहा आपका प्रिंसिपल 150 का, 150 का। तो ये था आपके इंग्लिश के आंसर की, ठीक है, आई होप आपके ज़्यादा ऑप्शन सही हुए होंगे, इसमें ग्रामर से इस बार क्वेश्चन पूछा था, अच्छा था, ठीक है, पैसेज से ग्रामर उठाया था, बाकी पेडागॉजी था, और इसके पहले मैंने और बाकी सब सब्जेक्ट के आंसर की अपलोड कर दिए हैं, अब जाके वहाँ से भी बाकी सब सब्जेक्ट का मैच कर सकते हैं, जैसे हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया, पीवीएस हो गया आपका, ठीक है, सीडीपी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास का, वहाँ से कर सकते हैं आप। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।